सो फाइनली दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट के कारण आज मेरी यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आ गई है, तो उसके लिए दोस्तों आप सभी को थैंक यू और दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों आज की वीडियो में मैं अपनी पूरी जर्नी बताऊंगा कि दोस्तों मेरी जो फर्स्ट पेमेंट आई है जो यूट्यूब से फ्रेंड्स मेरे को कितना टाइम लग गया और कैसे फ्रेंड्स मेरा ये फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब का आया। दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं, मेरा नाम दोस्तों जितेश कुमार है और दोस्तों मैं डिस्ट्रिक्ट बक्सर बिहार का रहने वाला हूं। दोस्तों आज से मैंने ठीक 3 साल पहले मैंने अपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था। 1 मई 2020 को मैंने दोस्तों पहली वीडियो अपलोड किया था। दोस्तों उस टाइम ना मेरे को बोलना आता था, ना दोस्तों मेरे पास अच्छा फोन था, ना दोस्तों मेरे पास माइक था। तो मैंने अपना जर्नी फ्रेंड धीरे धीरे वैसे स्टार्ट किया। दोस्तों जो मेरे पास उस समय जो फोन था वो फ्रेंड्स मेरे पास MI का 5A फोन था। फ्रेंड्स उसमें मैंने फ्रेंड्स अपना स्टार्टिंग में फ्रेंड्स मैं वॉइस ओवर की वीडियो डालता था, बट लेकिन फ्रेंड्स उसपे मेरा ज्यादा रिस्पांस नहीं आता था। फ्रेंड्स 1 व्यूज 2 व्यूज 3 व्यूज आते थे, बट लेकिन दोस्तों मैं उस टाइम पर जैसा कि आप जानते हो कि 2020 में कोरोना काल चल रहा था, तो दोस्तों मैं भी किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था और जिसके कारण दोस्तों मेरा जो जॉब था जॉब मेरा फ्रेंड छूट चुका था और फ्रेंड्स मैं घर पे मैं भी खाली बैठा था। तो दोस्तों मैं देखता था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि काफी लोग यूट्यूब से फ्रेंड्स अपनी वीडियो डाल के अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। दोस्तों मैं सबकी वीडियो देखता था कि माय फर्स्ट पेमेंट आ गया है यूट्यूब से, इतना आया किसी का फ्रेंड्स इतना आया, तो फ्रेंड्स मैं भी सोचता था जब ये लोग यूट्यूब पे वीडियो डाल के पेमेंट इतना ले रहे हैं तो मैं भी यूट्यूब पे वीडियो डाल के इतना पेमेंट ले सकता हूं। तो दोस्तों मैंने जो फ्रेंड्स पहली वीडियो मैंने अपलोड किया था, फ्रेंड्स मैंने 1 मई 2020 को मैंने पहली वीडियो अपने YouTube चैनल पे क्रिएट किया था। फ्रेंड्स मैंने 30 अप्रैल को रात के फ्रेंड्स 12 बजे के बाद फ्रेंड्स मैंने एक अपना चैनल क्रिएट किया, जिस चैनल का नाम रखा था फ्रेंड्स मैंने जितेश खुशवाहा जी। फ्रेंड्स मैंने उसके ऊपर फ्रेंड्स मैंने 1 मई को फ्रेंड्स अपनी पहली वीडियो सुबह 11 बजे अपलोडिंग कर दिया। फ्रेंड्स उसमें ना मेरा माइक था मेरे पास बढ़िया सा, मैंने फ्रेंड्स ऐसी फोन से ही रिकॉर्ड किया था और फ्रेंड्स मैंने न्यूज टाइप की वीडियो अपलोड किया था पहली वीडियो। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे जैसे मैं फ्रेंड्स वीडियो अपलोड करता गया, फ्रेंड्स मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि फ्रेंड्स मैं वीडियो मेरी वायरल कैसे होगी। फ्रेंड्स मेरे को 1 से 1.5 साल मेरे को लग गया फ्रेंड्स सिर्फ यूट्यूब का एल्गोरिथम समझने में कि कैसे टैग लगाना है, कैसे आप सब्सक्राइबर को इंक्रीज कर सकते हो, किस तरीके से थंबनेल बनाना है, किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखना है या किस तरीके से फ्रेंड्स आपको टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लगाने हैं। तो फ्रेंड्स मेरे को 1 से 1.5 साल लग गया ये सारी चीजों को मुझे प्रॉपरली समझने में। उसके दौरान फ्रेंड्स इसी दौरान में मैंने फ्रेंड्स कुछ अपने वीडियोस में चेंजिंग किया। मैंने सोचा कि लोग मेरी जो वॉइस ओवर वीडियो है लोग ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, तो मैंने फ्रेंड्स मैंने वॉइस ओवर मैंने फ्रेंड्स कम से कम 100 सब्सक्राइबर गेन किए। कुछ फ्रेंड्स मैंने सब फॉर सब करके मैंने सब्सक्राइबर गेन किए, किसी से फ्रेंड्स बोल के कि भाई आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर दूंगा। तो फ्रेंड्स मेरे इस तरीके से मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। फिर मैंने दोस्तों ये सोचा कि क्यों ना मैं अपना फेस वैल्यू बनाना चाहता हूं, तो क्यों ना मैं अपने फेस की ही वीडियो डालूं। तो फ्रेंड्स उस टाइम पे मेरे पास फ्रेंड्स MI का 5A फोन था, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पाओगे फ्रेंड्स ये फोन फ्रेंड्स उस समय 6 से 7 हजार में आराम से आपको मिल जाता था। मेरे पास फ्रेंड्स ये फोन था, उसका कैमरा भी कुछ खास अच्छा खासा नहीं था, तो फ्रेंड्स मैंने उसी फोन से वीडियो बनाना अपना स्टार्ट किया। फ्रेंड्स उस फोन से वीडियो बनाते बनाते मैंने फ्रेंड्स थोड़ा बहुत चेंजिंग लाया, मैंने फ्रेंड्स थोड़ा सोचता गया कि मैं क्या करूं, किस तरीके से थोड़ा मेरी वीडियो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा बहुत अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स मैंने थोड़ा बहुत अपने थंबनेल पे भी काम किया, मैंने थोड़ा टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी तरीके से लगाने के लिए, मतलब फ्रेंड्स कहते हैं ना कि अगर आप धीरे धीरे कोई चीज को सीखते हो तो फ्रेंड्स आपके अंदर ज्ञान अपना आप आना चालू हो जाता है कि जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। तो फ्रेंड्स मेरे को धीरे धीरे काम करते करते यूट्यूब पे औरों की वीडियो देखते देखते, जैसे कि फ्रेंड्स मोजदे हो गए, चाहे फ्रेंड्स और भी जो बड़े बड़े क्रिएटर थे उनकी वीडियो देखते देखते फ्रेंड्स में इंस्पायर हुआ और फ्रेंड्स में टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लगाना चालू कर दिया। फिर भी फ्रेंड्स मेरी वीडियो वायरल नहीं जाती थी, फिर भी दोस्तों मैंने हार नहीं माना। फिर दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई ग्रीन स्क्रीन यूज करूं, क्योंकि फ्रेंड्स उस टाइम पे लोग कहते हैं कि ग्रीन स्क्रीन का यूज करके आप चाहोगे तो बैकग्राउंड को चेंजिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैंने उस टाइम पे अपने ही जेब खर्च से मैंने 250 का एक फ्रेंड्स मैंने ग्रीन स्क्रीन परचेज किया था Amazon से। फ्रेंड्स मैंने ग्रीन स्क्रीन को लगाया और फ्रेंड्स उस पर वीडियो क्रिएट करना चालू किया, बट लेकिन फ्रेंड्स जो मेरा जो फ्रेंड्स फोन था जो फ्रेंड्स उसका फ्रेंड्स मेरे पास स्टैंड नहीं था, तो मेरे घर में फ्रेंड्स मेरा एक छोटा भाई है, उससे मैं बोलता था कि तू फोन को पकड़ और वीडियो शूट कर। जैसे कि फ्रेंड्स वो 2 मिनट 3 मिनट फोन को पकड़ के नहीं रख सकता था, फिर भी फ्रेंड्स हाथ से कैमरा हिलता था और फ्रेंड्स मेरी वीडियो थी
थोड़ी बहुत वैसे हिली डुली सी बनती थी। फिर फ्रेंड्स मैंने थोड़ा और फ्रेंड्स स्ट्रगल करता गया, थोड़े बहुत मैंने फ्रेंड्स 50, 100, 20, 50, 100 रुपए ऐसे मैंने बचा के मैंने फ्रेंड्स एक मैंने स्टैंड परचेज किया। फ्रेंड्स स्टैंड परचेज किया, जैसे फ्रेंड्स व्हाइट वाला जो स्टैंड आप देख पा रहे हो साइड में, ये स्टैंड मैंने फ्रेंड्स उस टाइम पे 250 रुपए का करीब मैंने इसको परचेज किया था। फिर फ्रेंड्स ये स्टैंड छोटा होने के कारण मैं खड़े होकर वीडियो नहीं बना पाता था। फ्रेंड्स ये स्टैंड क्या था कि फ्रेंड्स स्टैंड जो था मेरा ये काफी छोटा था, तो मैं खड़े होकर वीडियो नहीं बना पाता था। तो फ्रेंड्स मैं ग्रीन स्क्रीन पीछे लगा के और मैं वीडियो शूट करता था। फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने फ्रेंड्स कम से कम 350-400 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। मेरे को करीब करीब फ्रेंड्स 1.5 साल से ऊपर हो चुके थे और मेरी फ्रेंड्स एक भी वीडियो वायरल नहीं जा रही थी। फिर फ्रेंड्स अचानक क्या हुआ कि फ्रेंड्स एक मेरी वीडियो थी फ्रेंड्स सब्सक्राइबर बटन हाइड हो गया है। फ्रेंड्स इस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो क्रिएट किया था और ये फ्रेंड्स अचानक मेरी वीडियो जो है वायरल जानी चालू हो गई और फ्रेंड्स इस पे प्रेजेंट टाइम पे आप देखोगे तो फ्रेंड्स 1 लाख से प्लस व्यूज आ चुके हैं। फ्रेंड्स मेरे चैनल पे जो भी आप सब्सक्राइबर देख पा रहे हो मेरे इसी वीडियो वायरल जाने के कारण ही मेरे इस चैनल पे इतने सब्सक्राइबर हुए हैं। कुछ फ्रेंड्स जो नई वीडियो डाल रहा हूं इससे कुछ मेरे नए सब्सक्राइबर जो है इंक्रीज हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं कई टाइम तक लंबे समय तक फ्रेंड्स काम करता रहा। जब फ्रेंड्स मेरे 300-350 जो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया तो फ्रेंड्स मेरा फ्रेंड्स जैसे कि फ्रेंड्स मेरा आप भी अगर फ्रेंड्स इतना काम कर लेते हो तो फ्रेंड्स मेरा जब एक वीडियो वायरल भी हो गया था तो फ्रेंड्स मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया था और मेरा सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुके थे। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया कि अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए दिया और फ्रेंड्स मेरा चैनल जो मोनेटाइज हो चुका था, तो दोस्तों मेरा चैनल 17 मार्च 2022 को मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। फ्रेंड्स मैंने फिर भी मैंने हार नहीं मारा। मेरा फ्रेंड्स दिन के फ्रेंड्स $0.1 ही बनते थे। फ्रेंड्स मेरे महीने के फ्रेंड्स मेरे $1 भी बनना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ता था। तो तब भी फ्रेंड्स मैंने हार नहीं माना। फ्रेंड्स क्या होता था कि फ्रेंड्स मैंने जब एडसेंस पिन के लिए अप्लाई किया तो फ्रेंड्स मेरा एडसेंस पिन मेरे आने में 6 महीने लग गए। दोस्तों कईयों के होता है कि एडसेंस पिन जैसे आप अप्लाई करते हो तो 28 दिन में आपके पास आ जाता है, बट लेकिन मेरे पास फ्रेंड्स एडसेंस पिन आने में मेरे को करीब 6 महीने लग गए। फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या थी? फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये थी कि फ्रेंड्स मेरे लोकल एरिया का जो फ्रेंड्स एड्रेस था यहां पे फ्रेंड्स पोस्टमैन लेके आता ही नहीं था। फ्रेंड्स वहां से तो एडसेंस पिन मेरा जनरेट होके आ जाता था पोस्ट ऑफिस में, पर लेकिन पोस्टमैन मेरे पास वो एडसेंस पिन को ही लेके नहीं आता था। इस तरीके से फ्रेंड्स मेरा 6 महीना निकल चुका था और फ्रेंड्स मैं यूट्यूब पे डीमोनेटाइज हो गया था। फ्रेंड्स मैंने सोचा कि अब यूट्यूब पे वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि फ्रेंड्स मेरा चैनल ही मोनेटाइज नहीं हो पा रहा, तो फ्रेंड्स मैंने यूट्यूब पे काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। करीब फ्रेंड्स मैंने यूट्यूब पे 2 महीने में आइडल रहा था। 2 महीने मैंने एक भी वीडियो यूट्यूब पे मैंने नहीं डाला था। इसी दौरान फ्रेंड्स जो एक मेरी वीडियो थी, जैसा कि आपको बता रहा हूं मैं सब्सक्राइबर बटन हाइड हो गया, ये मेरी वीडियो फ्रेंड्स धड़ल्ले से वायरल जा रही थी। फ्रेंड्स ये वीडियो मेरी इतनी वायरल जा रही थी कि फ्रेंड्स उस पे दिन के मेरे कम से कम 700-800 व्यूज आ रहे थे और फ्रेंड्स आज भी उस वीडियो पे दिन के करीब फ्रेंड्स मेरे 1000 व्यूज तक मेरे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने जब से फ्रेंड्स मेरे कुछ टाइम बीता तो फ्रेंड्स मैंने कुछ लोगों की ऐसी वीडियो देखी, जैसे फ्रेंड्स मैंने टेक्निकल इसरार सर की वीडियो देखी। उस वीडियो में उन्होंने ये बताया कि आप चाहो तो अपने जीमेल से ही आप अपने एडसेंस पिन को मंगाकर वहां से भी अपने चैनल को आप एडसेंस में ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैंने कोशिश किया और फ्रेंड्स मेरा क्या हुआ कि मेरे जीमेल पे ही फ्रेंड्स में जो एडसेंस पिन का जो कोड था वो मेरा आया और फ्रेंड्स मैंने वहां से फिर मैंने अपना जो एडसेंस है फ्रेंड्स अपना मैंने अप्लाई कर लिया था। तो फ्रेंड्स जब मेरा एडसेंस फ्रेंड्स से मेरा अप्रूवल हो गया तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि चलो थोड़ा मेहनत ही कर लेते हैं, बेशक महीने के $1 क्यों नहीं बनेंगे, बट लेकिन हम मेहनत करते रहेंगे। क्या पता मेरी जब ये वीडियो मेरी जो सब्सक्राइबर बटन गायब हो गया, ये वीडियो अगर मेरी वायरल चली गई तो शायद मेरी 2-3 वीडियो और भी वायरल हो सकती है, कोई ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने मेहनत करता गया, इसी तरीके से मेहनत करता गया और फ्रेंड्स मेरी मैं फ्रेंड्स आज मैं फ्रेंड्स YouTube पे मेरी फ्रेंड्स कम से कम फ्रेंड्स 27 जुलाई 2023 को फ्रेंड्स आज मेरी YouTube की फर्स्ट पेमेंट आई। फ्रेंड्स मेरे को फर्स्ट पेमेंट आने में करीब फ्रेंड्स मेरे मोनेटाइज होने के बाद एडसेंस पिन फ्रेंड्स आने के बाद ऐड होने के बाद फ्रेंड्स मेरे YouTube की फर्स्ट पेमेंट आने में करीब फ्रेंड्स मेरे को 1 साल लग गया। तो फ्रेंड्स मैंने फ्रेंड्स इस दौरान में मैंने काफी सी ऐसी चीजें सीखी जिसमें फ्रेंड्स मैंने थंबनेल बनाना सीखा, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लगाना सीखा और फ्रेंड्स किस टॉपिक के ऊपर किस तरीके से वीडियो बनाएंगे, मैंने फ्रेंड्स बोलना सीखा, कैमरे के सामने फेस करना सीखा। फ्रेंड्स ये सब चीजें मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, मैं एकदम जीरो था। आप भी इस तरीके से मेहनत करोगे तो फ्रेंड्स आपको उसका फल एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगा। अगर फ्रेंड्स आप डीमोटिवेट होकर यूट्यूब से चले जाओगे तो फ्रेंड्स आप 1 रुपए नहीं कमा पाओगे। फ्रेंड्स मैंने आज अपने चैनल पे 450+ वीडियो डाला है तब जाके फ्रेंड्स मेरा फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आया है। कितने लोगों का ये होता है कि फ्रेंड्स वो 200-250 वीडियो अपलोड करते हैं तो उनका फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आ जाता है। फ्रेंड्स ये नहीं बोलूंगा कि मेरा कंटेंट बेकार है या तो फ्रेंड्स मेरे कंटेंट में दम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो में जाके देखो, कंटेंट कोई
कोई सा भी कंटेंट खराब नहीं है, बस फ्रेंड्स आपका प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप प्यार और सपोर्ट ऐसी देते रहोगे तो फ्रेंड्स ये जो आज मेरी फर्स्ट पेमेंट आई है इस मंथ में आई है, यही पेमेंट फ्रेंड्स मेरी नेक्स्ट मंथ में इससे डबल भी होके आ सकती है। ये फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब जर्नी थी जो फ्रेंड्स 3 साल लग गए फ्रेंड्स मेरे को यूट्यूब पेमेंट आने में। अगर फ्रेंड्स आप भी इसी तरीके से मेहनत करते रहोगे तो फ्रेंड्स एक ना एक दिन आप भी यूट्यूब से अच्छा खासा अर्निंग करोगे। अगर फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना। तो फिर से मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।